नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों बात करते हैं सालार मूवी की, जिसकी हाइप और भी अप से अप से अप होती जा रही है और जिसकी एक्साइटमेंट दिन ब दिन और बढ़ती जा रही है। सालार के फैंस को दिलो जान से इंतजार है इस मूवी का। तो दोस्तों अभी पृथ्वीराज ने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भाई जो सालार मूवी है इसकी जो कंपेयरिंग है केजीएफ से की है, और उसके अलावा उन्होंने अपनी सालार मूवी के बारे में अपने व्यूज शेयर किए, और उसके अलावा उन्होंने जो परशांत नील के साथ उन्होंने जो काम किया उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शो किया है। और इस साथ साथ इस मूवी की जो है ड्यूरेशन भी जैसा कि आपको पता है रिवील हो गई है। और इसके अलावा जो ये मूवी है ये जो है ए सर्टिफिकेट इसको दिया गया है, जो कि ये सारी चीज़ें हम जल्दी जल्दी इस वीडियो में डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी ही अपडेट्स के साथ अपडेट रह सके। कर लो यार, चैनल तो सब्सक्राइब करो, इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए ले आते हैं, कर लो। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। थैंक यू। जो पृथ्वीराज है इन्होंने अपने इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि भाई जो प्रशांत नील की अगर मूवी हो उसको अगर हम थोड़ा सा हल्का या ऐसा वैसा कहे तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली चीज होगी। तो दोस्तों ये कहते हुए उन्होंने कहा कि भाई केजीएफ 2 तो आपने देखी होगी और उसके दीवाने भी मैंने देखी और उसकी हाइप भी मैंने देखी, तो ये जो सालार है इसकी जो लेवल है ये केजीएफ से बिल्कुल एक ग्रैंडर, यानी सबसे उससे भी ज्यादा स्केल वाली जो मूवी मानी जाती है सालार। और इस पे जो प्रशांत नील है उनका जो स्क्रिप्ट है, उनकी जो नरेशन है, इन्होंने जो स्क्रिप्ट तैयार किया था, इसके अलावा इनकी जो हिस्ट्री और इसके अलावा हर सीन में इनकी जो नरेशन इनको देते गए, और इसके अलावा इनकी जो गाइडेंस वगैरह जो प्रशांत नील की जो डायरेक्शन है बिल्कुल उन्होंने शेयर की कि भाई जो प्रशांत नील है ये इनका बिल्कुल एक हार्ड वर्क है। जो मेरा लुक है इनका, इन्होंने पृथ्वीराज ने कहा कि भाई जो इनका जो इस मूवी में लुक है हर चीज जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह वो प्रशांत नील ने अपने तरीके से एक बिल्कुल फंटेस्टिक तरीके से मैनेज किए हैं। तो दोस्तों ये कहते हुए इनको कहा कि भाई अगर सालार को फिर आकर मूवी से कंपेयर करें तो किससे करें, भाई सालार मूवी है भाई सबका बाप है बाप। सालार मूवी का नाम ले लिया तो भाई बस आखिरी हो गया आखिरी। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि भाई अगर आप सालार को अगर किसी मूवी से कंपेयर करना चाहते हैं तो गेम ऑफ थ्रोन्स जो मूवी है उससे आप कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मूवी है इसका जो एनवायरमेंट है ये लिटिल बिट उसके जैसा है, लेकिन ये जो मूवी है उससे भी कई गुना बढ़िया है। तो दोस्तों अभी आप खुद सोच सकते हैं कि भाई ये मूवी किस लेवल की हो सकती है। तो भाई ये जैसे ही बात सुनी तो भाई ये सालार के जो फैंस हैं उनके लिए एक बहुत ही और बड़ी से बड़ी खुशखबरी की खबर हो गई, और इसके अलावा उनकी जो फैंस है उनकी जो एक्साइटमेंट है उसका जो ग्राफ है और अप हो गया। तो दोस्तों इसी तरीके से जो पृथ्वीराज ने ये भी कहा कि भाई ये जो सालार मूवी है ये तो भाई वायलेंस का बाप है बाप, इसमें जो वायलेंस की बिल्कुल एक शदीद वायलेंस ही वायलेंस है इस मूवी में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो सालार की मूवी है इसको ए सर्टिफिकेट मिला है, ए सर्टिफिकेट का मतलब है इसमें बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग वायलेंस होगा इस मूवी में। पहले जो होता था जो बोर्ड है हमारा जो फिल्म का जो बोर्ड है, जैसा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट है उसने उसके जो पहले दो सर्टिफिकेट होते थे, एक यू सर्टिफिकेट होता था तो एक ए सर्टिफिकेट होता था। यू यानी सर्टिफिकेट जो हम फैमिली के साथ देख सकते हैं और जिसमें जो वायलेंस वाले सीन है वो कम होंगे, जैसा कि बच्चे भी देख सकते हैं। तो इस हिसाब से जो ए सर्टिफिकेट जो होता है इसमें जो होता है इसमें जो वायलेंस भी स्ट्रॉन्ग वायलेंस हो सकता है जो कि बच्चे नहीं देख सकते और उसमें खतरनाक सीन हो सकते हैं। तो इस हिसाब से इस मूवी को जो है ए सर्टिफिकेट मिला है। और दूसरी बात यह कि भाई इस मूवी की जो ड्यूरेशन है वो 2 hours 55 minutes है, और ये जो मूवी है इसकी तो भाई हाइप तो अब है ही। पृथ्वीराज के इस इंटरव्यू के बाद और भी जो फैंस हैं सालार के उनके लिए भाई ये किसी बड़े त्यौहार से ज़्यादा कुछ और नहीं, क्योंकि जो सालार या प्रभास के फैंस हैं या पृथ्वीराज के या जो प्रशांत नील की मूवीज के जो दीवाने हैं उनको भाई उसकी एक एक इतनी इतनी न्यूज़ के लिए एक्साइटमेंट होके बैठे हुए हैं। और जैसे न्यूज़ मिलती है जैसे कि उनको एक खुशी की लहर मिल गई। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि ये मूवी इस ईयर की सिर्फ इस ईयर की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होगी या ओवरऑल ये सारी मूवीज का रिकॉर्ड तोड़ के इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में टॉप पे अपना नाम
बना सकती है या नहीं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। तो भाई ऐसी ही अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है भाई, ये बिल्कुल आपके लिए है। अगर आप मेरी तरह साला प्रभास बाहुबली के सच्चे फैंस हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मैं आपसे कह देता हूं भाई, कर लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।